आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई आज हम मियाँ बीवी कहाँ चले, आज हम मियाँ बीवी डेट पे चले हैं साजिद। सही है, चलो तो आज हम जा रहे हैं डेट पे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी काम किसी चीज़ के लिए निकले और कोई काम ना करें। तो काम ये है कि हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ आइडियाज़ चाहिए अपने एनुअल फंक्शन के लिए। तो हम लोग एनुअल फंक्शन कहते हैं, ये लोग स्कूल प्ले कहते हैं। तो स्कूल प्ले के लिए इनको हमसे चाहिए कुछ आइडियाज़, कुछ कॉस्ट्यूम के हवाले से। तो ये मिस्टर जो है वो देंगे हमें आइडियाज़। मेरे भी हैं, इसके भी हैं, क्यों नहीं है मेरे है। तो इतनी ऐसी अजीब सी हंसी का क्या मतलब था? नहीं, क्यों हंसी? अच्छा नहीं, अच्छा मेरी हंसी अच्छा नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा नाम आ रहा है बीच में इसीलिए। तो भाई जो है वो हम जाएंगे स्कूल, और वहाँ उसके बाद वो काम करने के बाद हम जाएंगे, कहाँ हम जाएंगे, कहाँ जाना है तुम्हें बताओ, डेट पे। हाँ लेकिन एक स्पेशल जगह चलती है। चलो, क्या स्पेशल जगह? 2 घंटे हैं हमारे पास, 2 घंटे में कहा, जिसे हम लोग थोड़ा ऐसे मियाँ बीवी नहीं, जिसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी तरफ। इसको बड़ी आग पड़ी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो भाई स्कूल से हो गए फारिग, अब लग रही थी बड़ी टाइट वाली भूख, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, वरना चाय के बिना तो मेरी सुबह होती ही नहीं है। तो हमने चाय भी नहीं पी और बस हम लोग को जल्दी जल्दी जो है वो स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट दिया हुआ था कि हम इस टाइम पे पहुंच जाएंगे। उनसे हमें कुछ बात करनी थी कॉस्ट्यूम के हवाले से, तो वो तो सब हो गया। वो क्या कॉस्ट्यूम्स होंगे, क्या बनेंगे, वो सब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और तो फिर ये है कि साजिद गया हुआ है एक बड़े मज़ेदार की, एक ब्रेड है यहाँ पर मिलती है, वो लेने गया हुआ है, और काफ़ी टाइम बाद मैं वो खा रही हूँ, क्योंकि इस एरिया में एक्चुअली हम लोग का ज़्यादा आना नहीं होता। तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो इस एरिया में हमारा आना हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा साजिद को कि भाई वो ब्रेड लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने वो ट्राई नहीं किए। तो वो साजिद जो है वो लेने गया हुआ है, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। तो भाई जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह होंगे उसका जो है मैं आप लोग को सब कुछ दिखा दूँगी, जब बन बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊँगी कि वो क्या हैं, कैसे हैं, और क्या चल रहा था स्कूल और हमारे बीच में, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कमेंट्स में ज़रा मुझे बताएं आप लोग कि कॉफ़ी लवर कौन है और चाय लवर कौन है, तो कमेंट्स में ज़रा मुझे बताएं। हम लोग आए हैं बड़ी एक खूबसूरत सी जगह पे, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए बड़ी प्यारी जगह, मज़े की बात, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ ही यहीं शुरू हो गया खाने, इतनी तुम्हें भूख लग रही है। हाँ हाँ, वो सामने ऊपर बेंच है, साथ ही चलते हैं साजिद, वो ऊपर सामने बेंच आओ, वहाँ चलते हैं सामने ऊपर, देखो बेंच इतनी प्यारी अच्छी सी, आराम से बैठ के खाते, चलो तुम नहीं जाओगे, मैं जा रही हूँ, चलो चलो। तो भाई हम जाएंगे ऊपर, एक बड़ी अच्छी यहाँ पे एक जगह बैठी बैठने की है, तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं, सामने भी एक जगह अच्छी, वो भी अच्छी जगह सामने, साजिद वो ज़्यादा अच्छी है। तो ये जगह कुछ ऐसी है, यहाँ पर बहुत अच्छी है, पूरा 360 मैंने आपको घुमा दिया। अच्छा भाई बाकायदा अच्छे स्टेयर्स भी दिए हैं चलने के, आराम से अपना हाय थक गई। तो ये है जगह, तो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेड, ब्रेड किस तरह की है। तो भाई ब्रेड है कुछ ऐसी, इसके अंदर जो है वो चिकन है, लेटिस है, इसमें एक सॉस ये लोग यूज़ करते हैं, नो डाउट बहुत मज़े का होता है, बहुत डिफरेंट है, क्या बोलते हैं इसको तुम लोग, रोची पुल, रोची पुल, रोची पुले, पुले मतलब चिकन, रोची मतलब कोई भी ब्रेड, फ्लैट ब्रेड बोलते हैं या ये वाली ब्रेड बोलते हैं, को जो है वो ये लोग बोलते हैं ओची। अब हम लेंगे अपना जो है वो ब्रेड का मज़ा,
व्यू देखो यार, लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स करते हैं, थोड़ा तो रेस्ट करने आते हैं। कुछ लोग यहाँ करीब में जब जॉब करते हैं तो ये टाइम जो है वो उनका लंच ब्रेक होता है, तो वो भी जो है वो काफ़ी लोग देख रहे हैं। आप कार पार्किंग कितनी हुई है यहाँ पे, रेड और कोई डेट भी मारने आते भी मारने आते हैं, इसका अरमान रह जाता है डेट का। हैं। तो आज हम वही करना है, आज हम भी तो यही करना है ना, डेट मारने आए ना हम लोग, हम लोग भी तो डेट मारने आए हैं। बड़ा अच्छा, मतलब सुकून हो रहा है, हल्की हल्की धूप हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, व्यू कुछ ऐसा है सामने से। मतलब कभी हम लोग को ऐसा करना चाहिए ना सच, मतलब वीक डे में एक दो दफ़ा आना चाहिए ना, बच्चे अगर स्कूल जा रहे तो होना चाहिए। मतलब हर किसी कपल में जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए कि मतलब अपने लिए टाइम निकालें। बच्चे हो गए ठीक है, बड़े हो रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, अपना खेल कूद रहे हैं, तो अभी फ्री टाइम है, जैसे अभी आप लोग निकल सकते हैं इस तरह से, अगर चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा है। नहीं, हाँ जगह बहुत प्यारी है, देख के सुकून मिल रहा है। हम लोग अभी निकल चुके हैं, हम लोग अभी रास्ते में हैं, देखिए कितना प्यारा सा व्यू है यहाँ का। तो मैं ये सोच रही थी साजिद, क्यों ना हम लोग को इस तरह से एक दिन मतलब निकालना चाहिए अपने लिए। नहीं, हाँ सही है। अच्छी बात है, मतलब ना अब देखें बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो मैं तो कपल्स को यही जो है वो मशवरा दूंगी कि बेशक आधा पौना घंटा निकलें आप लोग, लेकिन निकलें बाहर, निकलें घर से बाहर निकलें। मेन पॉइंट रीज़न क्या है, घर से आपको बाहर निकलना है, वरना घर में अपने जो है वो इंसान हर काम में इतना बिजी होता है। अगर साजिद भी है वो अपने काम में बिजी है, मैं अपने छोटे मोटे काम में बिजी हूँ, बच्चे होते हैं मैं उनके पीछे बिजी होती हूँ, जब फ्री होती हूँ तो ये घर पे नहीं होता, ये काम पे होता है, तो मतलब टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो जाती है। जब आप घर में होते हो ना तो आप वो टाइम नहीं दे सकते हो अपने आप को जो आप बाहर दे सकते हो, कि बाहर आप फ्री होते हो, मतलब कुछ आपको काम नहीं करना, कोई बर्तन नहीं धोने, कोई खाना नहीं पकाना, कोई बच्चों को नहीं देखना, होमवर्क नहीं है, कोई आपको अपना कोई पर्सनल काम नहीं है। तो बाहर क्या होता है, आप लोग अगर कपल जो है वो निकलते हैं तो आपस में बात करते हैं, थोड़ा उनका मी टाइम हो जाता है, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, तो वो होना चाहिए। मतलब मैं मेरे हिसाब से हर कपल में ये चीज़ होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करें आप लोग कि आप लोग बाहर निकलें, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें, अपना जो है वो कपल निकलें, अपनी जो है वो मेमोरीज, जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करें, उनके बारे में बात करें, आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करें, बच्चों के हवाले से बात करें, बस जो भी हो लेकिन आप लोग बात करें। मेन कपल्स का रीजन क्या होता है कि बात ही नहीं करते हैं, तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अपना जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो मेरे हिसाब से जो है वो फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं उसमें। तो फिर ये है कि आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो बात करने से क्या होगा, आप लोग अपनी दिल की बात जो है वो एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। जब तक आप बात नहीं करेंगे ऑफकोर्स कुछ भी नहीं होगा, तो मैं ये बोलूंगी कि निकला करें बाहर, कपल्स को इस तरह निकलना चाहिए। अब मैं भी यही कोशिश करूंगी कि वीक में एक दो दफ़ा तो ऐसा निकालूं कि मतलब हम कपल्स जाएं बाहर और अपना टाइम स्पेंड करें साथ में, अपनी बातें करें, अपना जो है वो एक टाइम इंजॉय करें, उस टाइम को हम लोग इंजॉय करें, सिर्फ हम दो लोग और तीसरा कोई भी ना हो। तीसरे से मुराद औलाद, बच्चे भी हो सकते हैं, तीसरे से मुराद कोई फैमिली भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो, बट तीसरा कोई ना हो सिवाय आप दोनों के। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कोई अच्छा सा जो है वो टिप एक अच्छे कपल के लिए, तो जो भी हो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो भाई खाने पीने के बाद फिर हम लोग एक मार्केट में गए, जहाँ पर हम लोग को जो है वो बच्चों के कॉस्ट्यूम्स के कुछ फैब्रिक लेने थे, वो ले लिया। अब हम लोग आए हैं सिटी में, यस सिटी में, यहाँ पर ऐसे ही होता है, ये देखें भाई ये है सिटी, और सिटी का नाम है पोर्ट लुइस। अच्छा यहाँ पर ये होता है जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि हम जौहर जा रहे हैं, गुलशन जा रहे हैं, और यहाँ पर होता है हम सिटी, दूसरी सिटी जा रहे हैं। तो जहाँ अभी हम लोग हैं ये है यहाँ का कैपिटल, जैसे हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है, इसी तरह यहाँ का कैपिटल पोर्ट लुइस है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं एक दो और काम से, कुछ फैब्रिक है जो हो सकता है हमें यहाँ मिल जाए, तो उसकी तलाश में हम लोग यहाँ आए, देखते मिलता है कि नहीं मिलता। ये सारा सामान हमने लिया है अपना कॉस्ट्यूम्स के लिए, अब हम निकलेंगे घर के लिए। तकरीबन हमने तकरीबन तकरीबन सारी चीज़ें ले ली हैं। सो भाई फिर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।